brought to you by Techno Camon 30 series. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बन चुके हैं और उनके कोचिंग करियर की शुरुआत श्रीलंका दौरे से होगी, जहां पर टीम ने T20 और ODIs खेलने हैं। और उससे पहले अक्षर पटेल, जो कि T20 वर्ल्ड कप में जिन्होंने एक अहम रोल निभाया था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने गौतम गंभीर के ऊपर बड़ी बातें कही हैं और ये भी बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे बदलाव देखने मिलेंगे पोस्ट विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के बाद। जिस तरह से तीनों दिग्गज ने T20 को अलविदा कहा है, ऐसे में आपको एक नई युवा टीम नज़र आती है T20 में, ऐसा अक्षर पटेल का मानना है। तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक्साइटमेंट जाहिर की है गौतम गंभीर के साथ काम करने को लेकर, इसके अलावा बदलाव को लेकर भी बात किया है। तो आइए देखते हैं इस इंटरव्यू के दौरान एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है अक्षर पटेल ने। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा, मैंने IPL में उनके खिलाफ खेला है और अब वो कोच के रूप में आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उत्साह है। उनकी यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। सेटअप में होंगे कई बदलाव, उनका माइंडसेट अलग होगा। सो एक्साइटेड टू सी आर न्यू गोल्स, द चेंज इन एटमॉस्फेयर। अब नए गोल्स सेट किए जाएंगे, नई टीम, नए कोचिंग स्टाफ के साथ। कोचिंग स्टाफ को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जहां हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर जल्दी ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे, वहीं अब सपोर्ट स्टाफ में किस किस लोगों को जगह मिलेगी वो देखना होगा। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, हमने कल आपको एक वीडियो करके बताया था कि किस तरह से मॉर्निंग मॉकल का भी नाम सामने आया है। इसके अलावा रायन टिन डिशकाटे, दोनों ही KKR सेटअप का हिस्सा थे। इसके अलावा जहीर खान, विनय कुमार, लक्ष्मीपति बालाजी, इन सब के नाम सामने आ रहे हैं। अब ये देखना होगा आगे जाके कि BCCI किन नामों पर जो है फैसला लेता है, डिसीजन लेता है। इसके अलावा अक्षर पटेल ने आगे क्या कहा है T20Is में बदलाव को लेकर और युवा टीम को लेकर, आइए देखते हैं। उन्होंने आगे कहा, खिलाड़ियों की भूमिकाएं भी बदली जा सकती है, खासकर T20 में विराट, जडेजा और रोहित के संन्यास के बाद एक युवा टीम बनाई जाएगी और हम देखेंगे कि वह कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर आप एक नई युवा टीम देख सकते हैं एज फार एज T20 इज कंसर्न, और इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि किस तरह से गौतम गंभीर ऑपरेट करते हैं। आगे वो कहते हैं, नया कोच, नया सपोर्ट स्टाफ, बदलावों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और उनके साथ पहली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूँ, जहाँ काफ़ी क्लैरिटी होगी। तो नए रोल्स के साथ क्लैरिटी के ऊपर भी उन्होंने बात की है कि आगे जाके जो है चीज़ें बदलती नज़र आएंगी, सेटअप बिल्कुल अलग होगा। इसके अलावा गौतम गंभीर से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और रोल क्लैरिटी को लेकर भी यहाँ पे बात की। इसके अलावा इस इंटरव्यू में उन्होंने राहुल द्रविड़ के बारे में भी बात की कि किस तरह से राहुल द्रविड़ की सलाह जो है उनके काम आएगी और हमेशा उनके साथ रहेगी। जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने कहा कि किसी एक खिलाड़ी के लिए रन्स और विकेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से वो हर एक खिलाड़ी अपनी टीम के साथ मेमोरीज क्रिएट करता है, किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड कप जीत जो टीम के साथ उन्होंने की है, और ये पल होते हैं जो लगातार एक खिलाड़ी के साथ जिंदगी भर रहते हैं। इसके अलावा इस इंटरव्यू में अक्षर पटेल ने जिस तरह से टीम इंडिया का स्वागत इंडिया में वापस हुआ था T20 वर्ल्ड कप के जीत के बाद, उसको लेकर भी बात की और कहा कि ये सारा एक्सपीरियंस अनरियल था। जिस तरह से टीम का वेलकम दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ, जिस तरह से मरीन ड्राइव में वो ओपन बस परेड कराई गई और जिस तरह से पूरी टीम की एक स्पेशल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे अक्षर पटेल और उसको लेकर उन्होंने बात की। इसके अलावा यह भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप जीत जो है उनकी मेमोरी में हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। आप लोग मुझे जाके बताइए कि क्या आप भी आपको भी लगता है कि अक्षर पटेल की तरह कि आने वाले वक्त में गौतम गंभीर जो है T20I सेटअप में चेंजेस लेकर आ सकते हैं और एक यंग टीम आपको नज़र आ रही है या नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।